अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रमज़ान स्पेशल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शादियों में स्टार्टर के तौर पर बनने वाले चिकन शाही रोल, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह बोलकर। हमने यहाँ पर 600 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, उसको अच्छे से धोकर उसका पूरा पानी निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें 3 ब्रेड के स्लाइस को तोड़ के डालेंगे, 3 हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरह से पीस लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच बटर को मेल्ट करके डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस तरह से थोड़ा सा चिकन का पोर्शन लेंगे। हम यहाँ पर एक प्लास्टिक की पन्नी लिए है, उसके ऊपर रखेंगे और पन्नी को फोल्ड कर देंगे दूसरी साइड से और हाथों की मदद से इसको फैला लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं हमने इसको अभी पन्नी को फिर से खोल लेना है। स्लाइस डालेंगे इसके अंदर और इसको फोल्ड कर लेना है। प्लास्टिक की मदद से ही हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करना है, फिर प्लास्टिक को हटाना है, फिर से फोल्ड करना है, प्लास्टिक को हटाना है। इसी तरह हम फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। साइड दोनों तरफ की साइड को अच्छे से बंद कर देंगे ताकि हमारा चीज बाहर ना निकले। इसी तरह हम सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। इसी तरह हम सारे रोल को ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे रोल को ब्रेड क्रम में कोट कर लिए हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब देख सकते हैं 10 मिनट के बाद हमने रोल को निकाल लिया है फ्रिज से। अब हम यहाँ पर 2 अंडे लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें रोल डालेंगे अच्छे से, रोल को अंडे में डिप करेंगे और यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। सभी साइड को पलटते हुए हम अच्छे से रोल को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे रोल फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही टेस्टी से शाही रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी हमारी रेसिपी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।